देखिए सर कि लगभग 23-24 वर्ष पहले सलमान खान किसी फिल्म की शूटिंग में गए थे राजस्थान, और वो शिकार के लिए गए और उन्होंने एक काले हिरण को मार दिया। बिश्नोई समाज काले हिरण को बड़े श्रद्धा भाव से देखता है और काले हिरण की बिश्नोई समाज में घर घर पूजा होती है। तो ये बात के काले हिरण की हत्या कर दिए तो आखिरी तरीके से फैल गई और पूरे देश के अंदर बिश्नोई समाज जहाँ जहाँ है उसके अंदर बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। पुलिस में केस दर्ज हुआ, कोर्ट में गया और निचली अदालत से सलमान खान की 5 वर्ष की सजा हुई। अब अपने यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आप जानते हैं, बड़ी लंबी चलती है। तो बिश्नोई समाज जो है बड़ा आहत है। मेरे भी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद बिजनौर में भी तमाम बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, उनसे संपर्क है। तो गलती मनुष्य से हो जाती है। सलमान खान का की बड़ी लोकप्रियता है, बड़े अभिनेता हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए मैंने ट्विटर के माध्यम से उनको अपील किया, उन्हें टैग करते हुए, कि इस विवाद को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो है प्रायश्चित करना चाहिए, माफ़ी मांग। और माफ़ी मांगने से किसी व्यक्ति का कद प्रतिष्ठा छोटी नहीं होती है। गलती को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना और माफ़ी करना, ये उसके कद को बढ़ाता है। तो मैं ये सलमान खान साहब को, ये मेरा राय है कि इस विवाद को समाप्त करें और प्रायश्चित करते हुए और बिश्नोई समाज की जो काले हिरण के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसका सम्मान करते हुए उनको माफ़ी मांग। उसे कतई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, न मेरे दिमाग के अंदर है। मैं तो एक जो एक सलमान खान के प्रति शुभचिंतक रहते हुए मैंने इस प्रकार की मांग की है कि इस विवाद को समाप्त करना चाहिए, लेकिन बाकी अन्य किसी भी चीज़ से रिलेट करना, जोड़ना या किसी प्रकार से मेरी न मंशा है न मेरा उद्देश्य। उत्तर प्रदेश जो है पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। VK News, राष्ट्र के नाम।